लगभग लगभग हमारी पूरी ही दुकान जा रही है, जिससे कि हम बहुत परेशान हैं। हमारी चौथी पीढ़ी जो है इस दुकान पर है और हम बहुत परेशान हैं। इस तरह से रोजी रोटी का संकट आ गया हमारे ऊपर। सरकार को, शासन प्रशासन को इस विषय में सोचना चाहिए। गंभीरता से कहाँ लिए व्यापार मंडल ने? कुछ नहीं, वो तो कहता था कोर्ट का जो फैसला आएगा उसी में मंजूर है, जो कोर्ट का फैसला आएगा। आधी दुकान तो हमारी जा ही रही है लगभग। नमस्कार, स्वागत है आपका जय जय न्यूज की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी ठीक महाराजा अग्रसेन चौक के सामने मौजूद है। यहाँ से आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर हम बताने वाले हैं। पहले आपको ये बता दूँ इसके संबंध में एक खबर है। जिस प्रकार से मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज तक 101 दुकानें सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही थी, जिसके बाद ऐसी खबरें सामने आई थी कि 20 दुकानें ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। उसमें से कुछ निगम की थी, कुछ निजी संपत्ति थी। कुल मिलाकर व्यापारियों में कहने के आक्रोश था। इस प्रकार से दुकानें हैं वो ध्वस्त की जानी थी सड़क चौड़ीकरण की जद में आने के कारण। ऐसे में अब व्यापारियों को थोड़ी राहत मिली है। इसमें बता दूं कि हाईकोर्ट के आदेश पर आज जो कार्रवाई है वो पहले होनी थी, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है और अब 14 अक्टूबर को ये पूरी कार्रवाई होगी। और ऐसे में व्यापारियों का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या राय है, क्या राहत उनको मिली है, संतुष्टि उनके चेहरे पर है या नहीं, या अभी किस प्रकार से वो इस पूरे फैसले को देख रहे हैं, सीधे व्यापारियों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे में बात करने के लिए व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इसके बाद तमाम व्यापारियों से बातचीत करेंगे, इनसे जानते हैं इस प्रकार से इनको कहने की राहत दी गई है। 14 अक्टूबर की बात अभी सामने आई है, पूरा जो अभी जानकारी धीरे धीरे करके सामने आ रही है। इनसे पूछते हैं कितना भूभाग इनकी दुकान का जा रहा है, कहेंगे राहत इसको मान रहे हैं या केवल डेट आगे बढ़ाई गई इस संदर्भ में इस पूरे ये मामले को देख रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम तेज प्रकाश है, मैं न्यू बाजार एंड कंपनी का प्रोवाइडर। जिस प्रकार से मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण की जगह काफ़ी दुकानें थी, 101 दुकानें थी, मैं उनकी संख्या की बात करूं, उसमें से 20 दुकानें काफ़ी प्रभावित हो रही थी और जिसमें से 8 निगम की थी, बाकी निजी संपत्ति थी। नहीं, निगम की ज़्यादा है, निगम की ज़्यादा है, बाकी जो भी संपत्ति है। ऐसे में कहने के व्यापारियों ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया था, आज डेट बढ़ाई गई है, किस प्रकार से देख रहे हैं? नहीं, राहत वैसे तो नहीं मिली है सर, वो कोर्ट से मिली है, कोर्ट में डेट लगी है, वैसे गवर्नमेंट से कोई राहत नहीं मिली है। गवर्नमेंट तो वही जो 12 मीटर कर रहे हैं वो 12 मीटर कह रहे थे, वो तो उनकी तो अपनी गवर्नमेंट की पूरी है, गवर्नमेंट को तो कोई राहत नहीं मिली, कोर्ट ने राहत दी है 1 महीने आगे से आगे के लिए। अच्छा, ये मानते कि थोड़ा इस प्रकार से आज कार्रवाई होनी थी, अगर मैं गलत तो आज शुरुआत होनी थी। अब हाँ, 14 को होगी, 14 शुरू होगी। अब 14 अक्टूबर की बात कही, उस वक्त कर जी जी उसमें होगी कार्रवाई। जी जी, कहने का ये समय मिल गया है थोड़ा बहुत, टाइम मिल गया। जी जी, आपका कितना भूभाग जा रहा है दुकान? करीबन 2 मीटर जाएगा आगे से, 2 मीटर समथिंग। 2 मीटर, 12 मीटर भी तो बात, 12 मीटर 20 से है ना, 20 में से। अच्छा, 20 से यहाँ तक आपके दुकान का 2 मीटर जा रहा है। जी जी, 2 मीटर और आगे थोड़ा और आगे फुट भी है। आपकी निजी संपत्ति है, निगम की संपत्ति? निजी संपत्ति है। जी जी, तो मुआवजा वगैरह कुछ? मुआवजा कह रहे हैं देंगे, कह रहे थे देंगे। जी जी, देंगे। इस प्रकार से विरोध व्यक्त किया गया था, आपकी ओर से विरोध व्यक्त किया गया था? हां, सबने की यूनियन, वो तो व्यापार मंडल यूनियन, व्यापार मंडल है ना पूरा, तो सबने कर रहा था वो तो, लेकिन राहत दे नहीं रहे हैं ये। राहत नहीं, पहले के मुख्यमंत्री बोलता मैं 1 मीटर मैं दूंगा आपको राहत, वो भी नहीं दे रहा है, वो भी कह रहे हैं राहत नहीं मिलेगी, कह रहे हैं आपको तो पूरा 12 मीटर लेंगे, पूरा 12 मीटर, जिसमें 10 मीटर कह रहे हैं डांबर रोड पड़ेगी, बाकी नाली बनेगी, बाकी 1 मीटर की फुटपाथ बनेगा, कहते हैं। कहने का कि आप ये माने कि समय बढ़ा है, राहत वगैरह कुछ आप लोगों को नहीं मिली है। नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बताइए अपना। रामकिशोर। इस प्रकार से सड़क चौड़ीकरण की जद में काफी दुकानें आ रही है, आपकी भी दुकान से जद में आई है, पहले बताइए कितना भूभाग आपका दुकान का आ रहा है? सर, आधी दुकान तो हमारी जा ही रही है लगभग। लगभग यहाँ से कहाँ तक? यहाँ से वहाँ पे जो तिजोरी पे है वहाँ पे, तो जहाँ भाई से लेटे हैं यहाँ तक की जा रही है। जी जी, शीशे दिखा दीजिए। लगभग आधे से भी ज्यादा आपकी दुकान ज्यादा जा रही है। निजी संपत्ति है कि निगम की संपत्ति? निगम की संपत्ति सर। तो आपको मुआवजा वगैरह भी नहीं कुछ मिल? नहीं सर, मुआवजा भी नहीं मिलेगा सर। कितने साल पुरानी दुकान? ये 47 की दुकान है सर। 47 जी। इससे पहले कभी इस प्रकार के चौड़ीकरण की बात हुई थी? नहीं, कभी नहीं हुई थी। कभी सोचा था इस प्रकार से? नहीं नहीं, कोई ऐसा सोच ही नहीं था जो कभी चौड़ी होकर गई है। हाईवे रोड नहीं है ये, तो जनरल रोड है, अगर हाईवे होता तब तो चल ये था कि हाँ जाते हो सकता था। अभी अगर यहाँ पे फ्लाई ओवर बन जाता थोड़ा ये राहत मिल जाती, कि मतलब दुकान थोड़ी बच जाती उसकी है।
आप कह रहे थे कि फ्लाईओवर बना लेते, इससे आप लोगों को भी राहत मिल जाती और प्रशासन का काम भी हो जाता, सरकार का भी काम हो जाता। जी जी सर, दोनों का सही हो जाता। दोनों का सही हो जाता सर। इस प्रकार से मंडे को ड्रोन सर्वे किया गया था सोमवार को, जिसमें ड्रोन से तस्वीरें ली गई थी कितनी दुकानें प्रभावित हो रही हैं। आज कहने की कार्रवाई की शुरुआत होनी थी, लेकिन आप लोगों को राहत मिली है, 14 अक्टूबर से कहने की कार्रवाई की जाएगी। कहने कहीं मान रहे कि राहत है, समय दिया गया। हाँ सर, राहत तो है सर, अब इतने दिन रुकेंगे तो थोड़ा कारोबार भी चलेगा चलेगा, ये है ना। अब क्या पता आगे ऊपर वाला करे तो और भी कम हो जाए। वैसे अभी तो 12 मीटर बता रहे हैं, हो सकता है 10 हो जाए, 11 हो जाए। उम्मीद है कि हो सकता है। जी जी सर, हुआ है। यदि 10 मीटर होगा तो फिर कहाँ तक आपका? 10 मीटर होगा तो सर ये आपका यहाँ तक आएगा, ये क्या नाम है, यही पूरा क्वार्टर है ये? जी हाँ, ये यहाँ तक ही जाएगा ये। फिर तो आपको थोड़ा सा राहत, काफी राहत मिल जाएगी सर, काफी राहत मिल जाएगी 10 मीटर के वापस। जी जी, कर्व में बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है यहाँ पे, ऐसी करते की नहीं, ये रोड तो ऐसा ना टेढ़ा रोड है ना, टेढ़ी रोड। हाँ जी, टेढ़ा है तो फिर टेढ़ा ही रोड बनेगा फिर, ये है ना। इस प्रकार से 1947 की दुकान है, फिलहाल तो 12 मीटर तक जा रही, 10 मीटर की तो भविष्य की बात है। कहीं और व्यवस्था की आप लोगों ने? नहीं की, नहीं कहीं नहीं सर, कहीं व्यवस्था नहीं करी। और अब जब जाएगी तो फिर अब कारोबार ही सबका ठप हो जाएगा, क्या करेंगे इंसान। अगर मान लो एक डेढ़ महीने का मोहलत दी गई है, उसके बाद अगर कार्रवाई करते हैं तो फिर ये सब कारोबार ही ठप हो जाएगा, कहीं ना कहीं नुकसान निगम की संपत्ति को ज्यादा है, क्योंकि जो प्राइवेट संपत्ति उनको तो मुआवजा मिल जाएगा उसके एवज में, आप लोगों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ, हम लोगों को तो ज्यादा पूरा नुकसान ही है, हम लोगों का। नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम फिरोज खान है। जिस प्रकार से सड़क चौड़करण के जिद्द में काफी दुकानें आ रही हैं और व्यापारियों ने विरोध भी दर्ज किया था, आक्रोश देखने को मिला था, आज कार्रवाई की शुरुआत होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं राहत मिली है, अभी 14 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं आपको समय दिया गया है, किस प्रकार से देखने से? देखिए, कारोबार तो प्रभावित हो ही रहे हैं लोगों के, इसमें दुकानें जा रही हैं, लेकिन कुछ एक पहले 101 दुकानों का था, फिर 20 दुकानों को आ गया, लेकिन अब ये इसमें पहले ये 12 मीटर मांग रहे थे हमसे, अब DM साहब से भी बात हुई थी तो वो 9 मीटर पे हुई थी, लेकिन अब फिर 12 मीटर पे आ गई। सर, 9 मीटर में कब हुई थी? 9 मीटर में DM साहब ने 9-10 मीटर में मैं आपको कर दूंगी, आप अपने केस वापस ले लिए। अच्छा, ये कहा था कि प्रशासन से मैं बात करके कर दूंगी, लेकिन वो 9 मीटर में बात नहीं बनी, उसके बाद फिर 12 मीटर में ही निशान लगा दी उन्होंने, फिर 12 मीटर मांगा। जो कोर्ट में केस आपने दर्ज कराया है वो वापस लेने के एवज में? जी 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 जी, वो वापस ले लेंगे तो आपको 9 मीटर में 10 मीटर में आपको कर देंगे, पर अभी 12 मीटर ही, अब फिर 12 मीटर पे अपना आ गया है वो। आपने केस वापस नहीं लिया? नहीं, हमने तो केस किया नहीं था, जिन व्यापारियों ने केस किया था, जिनकी निजी संपत्ति थी उन्होंने वापस ले लिया। अच्छा, आपका ये निगम की संपत्ति, निजी संपत्ति? जी, हमारी निगम की, निगम संपत्ति, नगर निगम। कितने आपकी दुकान का भूभाग आ रहा है? हमारे दुकान का तो 1.5 फुट आ रहा है बस, निशान। जी जी, वो निशान तस्वीर दिखा दीजिए। हाँ, ये निशान आ रहा है। उतनी प्रभावित आपकी दुकान नहीं हो रही है? जी जी, उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन और लोगों की पूरी पूरी दुकानें प्रभावित हो रही है, जिसमें कुछ उनका बच नहीं रहा है, कारोबार कैसे करेंगे। जिस प्रकार से निगम की आपकी दुकान है और यदि जिसकी निजी दुकान है उनको तो मुआवजा वगैरह मिल रहा है, लेकिन निगम की दुकान वालों को ज्यादा नुकसान हो रहा है कहने कहीं। हाँ, उनका कोई मुआवजा नहीं, कोई मुआवजा नहीं है, निगम कह रही है आप किराएदार थे खाली करिए इसे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनको जगह दी जाए इसके लिए। जी बिल्कुल, जगह दी जाए कारोबार करने के लिए, कहाँ करेगा कारोबार। अगला आगे दिवाली आ रही है, सीजन का टाइम है ये, तो इसमें जरा सा वो है। हमारी तो आपसे अनुरोध यही है कि आप जो ये कवरिंग कर रही हैं, कि जिनकी दुकानें जा रही हैं उनको कहीं ना कहीं उसका काम करने की जगह दी जाए, और एक थोड़ा सा शासन को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जाए हम लोगों के साथ, कि हम आज कार्रवाई शुरू होनी थी 14 अक्टूबर का, आपको समय दिया गया है, ये कहने के मान रहे हैं कि थोड़ी सरकार नरम पड़ रही है कि केवल डेट बढ़ाई गई है? क्योंकि कोर्ट की तरफ से डेट बढ़ी है, आज 4 तारीख थी, लेकिन कोर्ट ने थोड़ा सा आगे 14 तारीख कर दिया है, तो अच्छा ही, अगर गवर्नमेंट मान जाए तो जिन लोगों को ज़्यादा नुकसान है उनका बच जाएगा, कारोबार लोग कर सकेंगे अपना। नमस्कार सर, नाम बताइए। इंद्रजीत सिंह अरोड़ा, बॉम्बे क्रॉकरी हाउस। जिस प्रकार से सड़क चौड़करण की जद में काफी दुकानें आ रही हैं, आपकी तो पूरी दुकान प्रभावित हो रही है, काफी नुकसान आपका इस कार्रवाई में हो रहा है, आज कहने की डेट आगे बढ़ा दी गई है, राहत मान रहे हैं इसको? अब राहत ही समझ लीजिए, थोड़ी बहुत राहत दी है इन्होंने, हम तो आस लगाए बैठे हुए इसी तरह चलता रहे, राहत देते रहे और सारी हमारी जिंदगी इस तरह ही निकल जाए। इस प्रकार से कोर्ट से राहत दी गई है, ऐसे में क्या लगता है कि आगे कहने के कोर्ट फैसला लेगा, मीटर भी कम करने के आसार लग रहे हैं? हाँ, आसार तो ये लग ही रहे हैं कि जैसे DM साहिबा ने कहा था
कि अगर आप केस वापस ले लेते हैं तो हम 10 मीटर में कर देते हैं, और व्यापारी माने नहीं। व्यापारी ने कहा था 9 मीटर कर दो, हम लोग इसमें जिनते हैं काफ़ी व्यापारियों को वो मिल जाएगी। जैसे 20 दुकानें प्रभावित हो रही हैं, उसमें 20 में से समझ लो कि 1-2 को ही जो जिनकी पूरी जाएगी, बगैर बच जाएंगी। इस प्रकार से आपने ये बात कही कि डीएम ने कहने के कहा था कि केस वापस लेने में आपको छूट दी जाएगी, यही बात एक और व्यापारी ने आगे कही है, ऑन कैमरा गई है। कहीं ना कहीं व्यापार मंडल ने उसके बाद कुछ फैसला लिया, इसको गंभीरता से लिया? गंभीरता से कहाँ लिया पर व्यापार मंडल ने, कुछ नहीं। वो तो कहते थे कोर्ट का जो फैसला आएगा उसी में मंजूर है, जो कोर्ट का फैसला आएगा। कोर्ट तो इन लोगों की खुद की है, सरकार भी इनकी है, कोर्ट भी इन्हीं की है। डीएम की बात वो गंभीरता से नहीं लिया गया? नहीं लिया। अगर लिया होता तो फिर आज जुनता है शायद हम लोगों की वो दुखदर समझती और 9 मीटर में भी शायद मान जाती। तेवर थोड़े सही नहीं रहे प्रशासन के साथ, आज कहने की डेट बढ़ाई गई है, थोड़ा व्यापारी खुश है कि चलो थोड़ा सा राहत मिली है। आगे तो एक दुकान व्यापार स्वामी कह भी रहे थे कि हम इतने टाइम पे अपना जो स्टॉक है वो बिक्री भी कर देंगे, कहीं ना कहीं डर भी है कि क्या पता उसके बाद कार्रवाई हो। दीपावली का समय आ रहा है, त्योहार का समय है, हर आदमी आस लगाए बैठा था कि मैं जो कुछ कमाऊंगा, इससे कोई चीज लूंगा। आपकी निजी संपत्ति है, निगम की संपत्ति? नगर निगम की शॉप है जी। मुआवजा वगैरह भी कुछ नहीं? वो निगम वालों ने कहा है कि हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट से उन्होंने 10 करोड़ पास करवाया है और उसमें हम आपको देंगे। उसमें आपको मिलेगी। हम तो चाहते हैं कि पहले हमको दे दो और हम तो जितनी मर्जी आप लेना चाहते हैं, 12 मीटर लेना चाहते हैं, हम 12 मीटर देने को तैयार हैं। पर हम लोग कहीं हमारी व्यवस्था तो करो, हमारे इतना सामान है, इतना कर्जा है, हम कहाँ से वो करेंगे। अच्छा, निगम ने आपसे कहा कि जो कॉम्प्लेक्स बना रहे उसमें से एक दुकान है जो निगम की संपत्ति उनको दी जाएगी, एक एक करके दुकानें करके? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये क्योंकि ये आगे भी क्वेरी दुकान स्वामियों की थी कि कहाँ हमें जगह दी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में जिस प्रकार से राहत दी गई है, अभी भी आपको कह रहे हैं कि आगे व्यवस्था की जा रही है, तो किस प्रकार से देख रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब नरम पड़ रहे हैं कोर्ट? गवर्नमेंट नरम पड़ रही है, नरम इसलिए पड़ रही है कि इलेक्शन भी सिर पर ही है। हाँ जी, चुनाव के दरमियान की बात करें, नहीं ये समय जो बढ़ाया वो चुनाव के समय जो बढ़ाया है, नगर उस निगम के चुनाव की बात कर रहे हैं उसके? हाँ, नगर निगम की मेयर के चुनाव की बिल्कुल। चलिए, राजनीति की बुआरी आपको? बिल्कुल बिल्कुल यही है जी। चलिए, इस पूरी बातचीत में हमने व्यापारियों से तमाम बातचीत की, लेकिन एक कहीं ना कहीं अलग इनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया कि राजनीति की बुआरी, मेयर चुनाव नज़दीकी हैं, शायद उसके तहत भी जो इस समय सीमाएं बढ़ाई गई है, कुछ और व्यापारियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो उसको एक राहत के तौर पर देख रहे हैं कि बस ऐसे देख रहे हैं कि डेट बढ़ा दी गई है। नमस्कार सर, नाम बताइए। नाम विकास ढिंगरा लक्की है मेरा नाम। दुकान का नाम हमारा मुनीत लाल एंडसन है। आप जो है पब्लिक डिमांड करके हैं और बराबर वाली शॉप हमारी बाबूजी ब्यूटी पार्लर करके है। जिस प्रकार से सड़क चौड़ीकरण की जद में काफ़ी दुकानें इसकी जद में आ रही है, व्यापारियों ने आक्रोश व्यक्त किया है, आपकी कितना भूभाग इस जद में आ रहा है? लगभग हमारी पूरी ही दुकान जा रही है, जिससे कि हम बहुत परेशान हैं। हमारी चौथी पीढ़ी जो है इस दुकान पर है और हम बहुत परेशान हैं। इस तरह से रोजी रोटी का संकट आ गया है हमारे ऊपर। सरकार को, शासन प्रशासन को इस विषय में सोचना चाहिए और जो है थोड़ी राहत मिलनी चाहिए हम व्यापारियों को, जो पूर्ण रूप से जा रहे हैं और जिनका थोड़ा सा ही भाग बच रहा है, 2-4 फीट, उनको थोड़ी सरकार, शासन प्रशासन की तरफ से थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से राहत की बात कर रहे हैं, कहने की कार्रवाई आज से शुरू हो जानी थी, लेकिन कोर्ट की ओर से 14 अक्टूबर तक इसको बढ़ा दिया गया है, समय दिया गया है, इसको एक राहत के तौर पर देख रहे हैं व्यापारी? माननीय उच्च न्यायालय का जो है धन्यवाद देते हैं कि थोड़े समय के लिए, 1-1.5 महीने का लगभग जो है थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन जो है थोड़ी सी ही सुकून है हमें, बस 1-1.5 महीने का, उसके आगे देखो क्या होगा, बहुत ही परेशानी में है। तो उसके आगे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्या कह सकते हैं, ये तो हम तो कुछ कह ही नहीं सकते ना इस विषय में। हम तो यही चाहते हैं सरकार, शासन प्रशासन की तरफ से थोड़ी राहत मिल जाए, कहीं 9 मीटर में समझौता कर लिया जाए। तो ये 9 मीटर की बात कर रहे हैं, ये निजी संपत्ति है कि निगम की संपत्ति? ये निगम की है जी, हमारी 68 ईयर हो गए इस दुकान को, 68 साल पुरानी दुकान है हमारी,
और हमें जो है अवैध कहते हैं ये लोग और अतिक्रमणकारी कहते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हम नगर पालिका को टाइमली जो है किराया दे देते हैं और बिजली का बिल टाइम से देते हैं, पानी का बिल देते हैं, और ये हमें अवैध कहते हैं। पता नहीं किस तरीके से अवैध और अतिक्रमणकारी कहते हैं ये, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। कागज़ वगैरह आपने कोर्ट में पेश किए? बिल्कुल जी, सब है हमारे पास, पूरी फाइल वाइल सब है हमारी। सर, निगम की आपकी संपत्ति है, एक जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाया जा रहा है मंगल पड़ाव में, 70 दुकानें उसमें होंगी, ऐसी भी बात सामने आ रही है कि निगम की जो संपत्ति में दुकानें थी उनको वहां दुकानें दी जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तो सिर्फ ये आश्वासन है, ये कोई लिखित रूप से कोर्ट के आदेश नहीं है इस तरह से, जो कि हमें मानने को तैयार नहीं है। जब होगा, इसमें कितना समय भी लग जाएगा, पता नहीं कितना सालों का समय लग जाएगा, क्या है, पहले इसे उजाड़ने से पहले बसाने की भी प्रक्रिया है, किसी को उजाड़ने से पहले बसाया जाए, हम यही कहते हैं, जो पूर्ण रूप से जा रहे हैं उनको तो विशेषकर बसाया जाए पहले। बहरहाल, जो आप बात कहने की आश्वासन है, मैं ये आपको बता दूँ कि जो कॉम्प्लेक्स है वो वाकई में उसके लिए तो 10 करोड़ के लमसम जो पैसा है वो भी सरकार से मांगा गया है, वो बनने के आसार है। वाकई में ये कब बनेगा इसकी कोई जानकारी नहीं, कब तक ये बनेगा, ये कह रहे कि आपके उजाड़ने से पहले बसाया जाए। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल, ये तो प्रावधान है, किसी को भी आप उजाड़ने से पहले बसाने की प्रक्रिया पहले है, और हम तो जबकि वैध हैं इसलिए हम विशेष रूप से यही कहेंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही चाहूँगा कि शासन प्रशासन की तरफ से हमें थोड़ी राहत दी जाए, और जो है कहीं 9 मीटर में समझौता करा जाए तो बहुत अच्छा होगा, और बच्चों का पालन पोषण हम कर पाएँ। बहुत पुरानी दुकान है हमारी, 68 साल पुरानी दुकान है, तो हमें बहुत कष्ट होता है इस बात से कि हम कहाँ जाएंगे बच्चे और कैसे पलेंगे, तो शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। तो देखा आप, इस कोर्ट में इस प्रकार से इस पूरे फैसले पर क्या कुछ व्यापारियों का कहना है, इस प्रकार से जो डेट है वो आगे बढ़ाई गई है, आज जो कार्रवाई वो शुरू होनी थी, लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर जो कार्रवाई है अभी 14 अक्टूबर तक व्यापारियों को समय दिया गया है। बहरहाल, ज़्यादातर व्यापारियों का कहना है कि केवल कुछ समय की जो राहत है वो दी गई है। व्यापारियों का ये भी कहना है कि जो मीटर से थोड़े और कम किए जाएँ, आपको बता दूँ पहले 15 जो मीटर है वो सरसोड़गंज की जद में आ रहे थे, लेकिन उसके बाद 12 मीटर किया गया, और अब व्यापारियों का कहना है कि 9 से 10 मीटर है वो किए जाए। बहरहाल, आगे क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक अपडेट आया था, उसमें व्यापारियों का क्या कुछ कहना है जानना था, आपको बताना था, आपने देखा। अब आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी 14 अक्टूबर की डेट है वो की गई है, क्या वो केवल राहत मात्र है, या इसके बाद भी कोर्ट क्या कोई और नरम फैसला ले सकती है, क्या पता मीटर कम किए जा सके, ऐसे भी क्या आसार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस फोटो में इतना ही, मैं अपने सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, जे जे न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।